नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अभी तक आए रुझानों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। रुझानों के अनुसार अभी आम आदमी पार्टी लगभग 58 सीटें तो बीजेपी लगभग 12 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अभी तक हुई वोटों की गिनती में नई दिल्ली से केजरीवाल आगे चल रहे हैं तो पड़पड़गंज सीट से मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा मॉडल टाउन सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा तो रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता पीछे चल रहे हैं। वहीं विश्वास नगर, मुस्तफाबाद, करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनते देख कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने आम आदमी पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आपकी जीत का मतलब सांप्रदायिक ताकतों की हार है। बता दें, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। बता दें, आम आदमी पार्टी लगातार जीत की हैट्रिक लगा रही है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी लगभग हार चुकी है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में जो भी नतीजे आएंगे उनकी जिम्मेदारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी होगी, लेकिन काम मिलकर सभी कार्यकर्ता करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 से 25 फरवरी को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। इस बात की पुष्टि सोमवार को व्हाइट हाउस की तरफ से की गई है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद और दिल्ली आएंगे। माना जा रहा है इस दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्ते में और गर्माहट आएगी। चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और इसके कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। इस वायरस के कारण सोमवार को ही लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बता दें, चीन से फैले कोरोना वायरस का असर पूरे विश्व में देखा जा रहा है और दुनिया के लगभग 20 देशों में इसका असर देखा गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत में भी केरल से 3 मामले सामने आए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बीच शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखी गई है। सेंसेक्स जहां 428 अंकों की बढ़त के साथ 41,407 के स्तर पर कारोबार करता हुआ देखा गया, तो वही निफ्टी भी लगभग 130 अंकों की उछाल के साथ 12,160 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज एक दिवसीय सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जारी है, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया, जिसके बाद भारत ने केएल राहुल के शतक की मदद से न्यूजीलैंड को 297 रनों का लक्ष्य दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।